उजालों की हिमायत कर रहा है। मैशर अफरीदी उजालों की हिमायत कर रहा है, अंधेरा फिर सियासत कर रहा है। उजालों की हिमायत कर रहा है, अंधेरा फिर सियासत कर रहा है। सजी है दिल में खुशियों की महफिल, तुम्हारा गम सदारत कर रहा है। तुम्हारा गम सदारत कर रहा है। जनाब मुतव्वर, दो मिसरे पढ़ूंगा दिलावर भाई, उसके बाद मतला डायरेक्ट मतला दे रहा हूँ। दाऊद भाई सुनना, और बकर भाई बिलखुसूस सुनना यार, क्योंकि माशाल्लाह कोकन के बड़े अजीम शायर हो आप भी, मगर अजीम की मेहनत और मैंने अपने अजीजों को देखते हुए ये खजाना आपकी नजर कर रहा हूँ। दो मिसरे समाप्त करें कि शर्मिंदा हो रही है मेरी जिंदगी तमाम, शर्मिंदा हो रही है मेरी, बेटा एक बच्चा मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, शर्मिंदा हो रही है मेरी जिंदगी तमाम, एहसास के पर्दे से कोई झांक रहा है। एहसास के पर्दे से कोई झांक रहा है। अब आइए गजल का मतलब सुने बड़े सुकून के साथ और गजल के माहौल में, गजल में ढल कर पढ़ने जा रहा हूं। रहमान साकी साहब मतलब सुनना। अंदर सुनो, अंदर अंदर से कुछ तो टूट, अंदर से कुछ तो टूट गया है अभी अभी, अंदर मेरी जान मतला दे रहा हूँ, श्री मंदर भाई अभी अंदर कुछ तो टूट गया है अभी अभी, अंदर से कुछ तो टूट, अंदर से कुछ तो टूट गया कोई मेरी नजर से गिरा है अभी अभी, कोई मेरी नजर से गिरा है अभी अभी, कोई मेरी नजर से गिरा है अभी अभी, है अभी।
कोई हाँ कोई मेरी नजर से गिरा है अभी अभी कोई मेरी नजर से गिरा है अभी अभी कोई। अरे क्या दिलार भाई हुस्ने मतला गजल का हुस्ने मतला अजीज भाई चांद बानों से भी माशाल्लाह अपने दौर की बहुत अच्छी फनकारा है ये, लेकिन जब से शबनम गाने लगी तो इन्होंने रिवर्स गियर मार लिया, रिवर्स हो गई है। लेकिन शबनम ये शेर सुनना बेटा, खलील भाई गजलें मेरी जिंदगी है, अजीम की जिंदगी है, और ये अशार जो पढ़ रहा हूँ अपना तारुफ देने की कोशिश कर रहा हूँ साहब। मेरे भी साथ होने लगा है अभी अभी पकड़ भाई, मेरे भी साथ होने लगा है अभी अभी। पहले समझ से तवज्जो जाऊंगा, मेरे भी साथ होने लगा है अभी अभी, मैंने जो उसके साथ किया है अभी अभी, मैंने जो उसके साथ किया है अभी अभी, मैंने जो उसके साथ किया है कर रहा हूं। मेरे भी साथ होने लगा है अभी अभी, मैंने जो उसके साथ किया है अभी अभी, तू डूबने से यकीनन मुझे बचा लेगा मगर मुझे तेरा एहसान मार डालेगा, तू रोज रोज नए दोस्तों से मिलता है अब आस्तीन में और कितने सांप पालेगा, तू रोज रोज नए दोस्तों से मिलता है अब आस्तीन में और कितने सांप पालेगा, ये दुनिया तुझको भी एक दिन जलील कर देगी किसी गरीब की पगड़ी अगर उछालेगा। मैंने जो उसके साथ किया है अभी अभी, मैंने जो उसके साथ किया है अभी अभी। कुछ देर बाद तोड़ दिया जाएगा तू भी, कुछ देर बाद तोड़ दिया जाएगा तू भी। हमारे पुरार वालों से तवज्जो चाहूंगा बिलखुसूस, कुछ देर बाद तोड़ दिया जाएगा तू भी, आईने पे किसी ने लिखा है अभी अभी, आईने पे किसी ने लिखा है समझने के लिए ऐसा किया,
जिंदगी क्या है समझने के लिए ऐसा किया हमने खुद से दोस्ती की खुद से ही धोखा किया। हमने खुद से दोस्ती की खुद से ही धोखा किया। वक्त से बस ये शिकायत है कि क्यों ऐसा किया। जिस जगह इज्जत थी मेरी उस जगह रुसवा किया। कुछ देर बाद तोड़ दिया जाएगा तू भी। कुछ देर बाद तोड़ दिया जाएगा तू भी। कुछ देर बाद तोड़ दिया जाएगा तू भी। भाई दाऊद भाई का हुक्म मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। शरीफ मंजर भाई, जिंदगी क्या है समझने के लिए ऐसा किया। हमने खुद से दोस्ती की खुद से ही धोखा किया। वक्त से बस ये शिकायत है कि क्यों ऐसा किया। जिस जगह इज्जत थी मेरी उस जगह रुसवा किया। कुछ देर बाद तोड़ दिया जाएगा तू भी। दिलावर भाई, अक्सर मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग अक्सर मैयार कह के कुछ और सुनाने लगते हैं। अब अजीज भाई, मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, कहाँ तक मैयार में है ये फैसला आप लोगों पर। सुनाने जा रहा हूँ साहब और बगर साहब, ये मेरी मेहनत है। मैयार है या नहीं है शेर में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शरीफ मंजर भाई समाप्त करें। जिस फैसले का था तुझे बरसों से इंतजार। जिस फैसले का था तुझे बरसों से इंतजार। जिस फैसले का था तुझे बरसों से इंतजार। हमने अरे हमने वो फैसला भी किया है अभी अभी। हमने फैसला भी किया है अभी अभी। हमने वो फैसला भी किया है साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। इससे अच्छा शेर सुनो, इससे अच्छा शेर। मशगूल था मैं जिसकी दुआएं हयात में। मशगूल था मैं जिसकी दुआएं हयात में। हकीकत में जो लोग अगर गजल के सुनने वाले हैं तो मेरी मेहनत पे तवज्जो चाहूंगा। मशगूल था मैं जिसकी दुआएं
हयाती में मुझको मुझको उसी ने जहर दिया है अभी अभी मुझको हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। जनाब एक और मतला देने जा रहा हूं इस गजल का, समाप्त करें। इंसानियत का कतील हुआ है अभी अभी, इंसानियत का कतील हुआ है अभी अभी, इंसानियत का कतील हुआ है अभी फांसी पे बेगुनाह चढ़ा है अभी अभी बात मगर बुजुर्गों की सोबत, बुजुर्गों की संगत। अब ये जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं इसमें बड़ा नाजुक मसला है, नाजुक, क्योंकि बुजुर्ग शायरों से सुना है मैंने कि काफिये से काफिया जोड़ने का नाम शेर नहीं है, शेर शेर होना चाहिए। बेटा जरा थोड़ा सा साइड में आ, शेर सुनना आसिफ भाई। बेटा बाकी वैसे तो आस्ती में, वैसे बहुत ही है सांप मेरी आस
आस्तीन में। वैसे बहुत ही है सारी आस्तीन में। अजीत भाई सानी सुनना। वैसे बहुत ही है सांप, अब ये लफ्ज़ बहुत को देखना सानी में निभाया मैंने। वैसे शुक्रिया अमानुल्ला भाई। वैसे बहुत ही है सांप मेरी आस्तीन में। वैसे बहुत ही है सांप उनमें से एक ही ने डसा है अभी अभी। सामने तिफले मकतब भी नहीं हूं, खतरा भी नहीं हूं। नहीं नहीं ऐसी तो हकीकत है, जो हकीकत है वो हकीकत है। मैं बस आप लोग मुझे सुनते हैं मेरी जान। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप लोग जैसा सुनते हैं वैसा नहीं सुना पाता हूं मैं। अभी ये शेर रख रहा हूं साहब, तवज्जो दिलार भाई शेर सर जी। हाय हाय इस पर हाँ। वैसे बहुत ही है सांप मेरी आस्तीन में। मैं सादगी में फिर एक बार फंसने वाला था, मेरी तबाही पे वो खुल के हंसने वाला था। खुदा का शुक्र के एक सांप ने बचाया मुझे, वगरना मुझको मेरा दोस्त डसने वाला था। वैसे बहुत ही है सांप मेरी आस्तीन में। वैसे बहुत ही है सांप मेरी आस्तीन में। पहले कहीं घूमने गया था, मेला वेला घूमने गया था पहले टर्न में। पहले टाइम में जो शेर पढ़ा हूं वो याद दिला रहा है मुझे। ये चार मिसरे बड़े मकबूल हुए अजीम के, अच्छा सुनने वालों में मैं चार मिसरे देने जा रहा हूं। नौजवानों से भी तवज्जो चाहूंगा। सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है। सियासत चापलूसी की बसी खुशबू में बैठा है।
सजाकर मुस्कुराहट वो बड़े काबू में बैठा है। अरे घुमाकर बारहा गर्दन को क्यों तकलीफ देता है, तेरा दुश्मन तेरे पीछे नहीं बाजू में बैठा है। ऐसे बहुती है साहू मेरी आस नीली के हजार बार भी बदले वो कैंचली अपनी, जो सांप से पैदा है सपोला ही रहेगा, और दौलत से फकत जेब ही हो सकती है भारी, हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। ऐसे होती है सांप मेरी। अजीज भाई सरदार भी होकर के वो सरदार नहीं है यारो, जमीर जिसका वफादार नहीं है। सरदार भी होकर के वो सरदार नहीं है यारो, जमीर जिसका वफादार नहीं है। दौलत तो रख के जेब में तुम आ गए, मगर बाजार में कपड़े तो हैं, किरदार नहीं है। ऐसे होती है साहब मेरी आस नीली। वैसे बहुत है साहब मेरी आस दिन में, उनमें एक ही ने दसा है अभी बढ़ने लगी मेरी। क्यों क्यों उसका उसका किसी ने नाम लिया है अभी ने बहुत अच्छा शेर कहा बुरहानपुर शहर बुरहानपुर के। देखा पलट के मैंने वहां कोई भी ना था, देखा पलट के मैंने वहां कोई नहीं ना था, पलट के मैंने वहां कोई भी न था। देखा पलट के मैंने वहां कोई भी न था, लगता गजल का ये आखिरी शेर, और मैयार के सुनने वालों के लिए देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनके साथ रह के भी
उनका न हो सका, मैं उनके साथ ही रहके भी उनका न हो सका। श्री मंगल भाई, मैं उनके साथ ही रह के भी उनका न हो सका, मुझ पे ये उनका राज खुला है अभी। और जो शेर अच्छा होता है, मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये रहती है कि शेर अच्छा लगता है मुझे तो पढ़ता हूँ। ये शफी ने शेर कहा, बेंजो वाले ने, मेरे बच्चे ने कहा। हाँ यार सुनना अब्बास भाई। ऐ दोस्तों ना पूछो मेरी बेरुखी का राज, ऐ दोस्तों ना पूछो मेरी बेरुखी का राज। पूरा मफ़हूम चेंज कर देते हैं। अबे सुना दो करो, सुना करो। ऐ दोस्तों ना पूछो मेरी बेरुखी का राज, दिल में किसी को दफन किया है अभी अभी, दिल में किसी को दफन किया है अभी अभी, दिल में किसी को दफन किया है अभी अभी। कमल किशोर वर्मा, कमल किशोर वर्मा है, कहते हैं जिंदगी का कम से कम सामान होना चाहिए, मौत का लंबा सफर आसान होना चाहिए। रोज एक दो लोग मर जाते हैं दिल के शहर में, दिल के अंदर कोई कब्रिस्तान होना चाहिए। शकील आजमी के आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते ही ये तकदीर बताने वाले, जो तेरे ऐप बताता है उसे मत खोना, अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। अजी अब तो मर जाता है रिश्ता भी बुरे वक्तों में, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। दिल में किसी को दफन किया है अभी। तो